यहाँ पे जो क्वेरी हम लिख रहे हैं वो मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली है। आप लोग जो है ये वैल्यू चेंज करके फिर रन कीजिएगा ताकि आपको कुछ रिजल्ट मिले आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक सेकंड देखने कुछ देखना चाह रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम यूज किए हैं, एक इंटरफेस यूज किए हैं आई क्वेरिएबल। देख रहे हैं आप लोग, एक नया चीज है आप लोगों के लिए कि आई क्वेरिएबल होता क्या है। देखिए अगर आप देखेंगे तो मेरे पास दो चीज है, एक होता है आई इनुमेरेबल, ये न्यू वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा होता है आई वेरिएबल। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक यस है, अब ये है क्या? तो ये आई का, आई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? कोई बताएंगे? इंटरफेस इंटरफेस। आई से स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये इंटरफेस सर इंटरफेस इंटरफेस है। ठीक है, तो देखिए ये दो इंटरफेस बनाया गया है, आई इनुमेरेबल और आई क्वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आप जैसे हम लिस्ट में जाते हैं, किसमें जाते हैं? लिस्ट में। ठीक लिस्ट में ध्यान से देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लिस्ट है ना, हम लिस्ट में जाते हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग लिस्ट के, जो लिस्ट क्लास बना हुआ है, देखिए पब्लिक क्लास, अभी हम लोग यही ना देख के आए हैं। क्या है ये, क्या हाँ सर, कैसा ये है ये? जेनेरिक टाइप क्लास, टाइप है सर, जेनेरिक क्लास, जनरी, क्या है? जेनेरिक जेनेरिक जेनरी, इसीलिए लिस्ट हम किसी भी तरह का बना लेते हैं, स्ट्रिंग का भी, स्टूडेंट का भी, किसी का भी लिस्ट बना लेते हैं, फीस का भी लिस्ट बन रहा है ना। अच्छा लिस्ट वो जो लिखते हैं वो उसी का पहले भी लिखते हैं ना, लिस्ट ऑफ फी, हाँ, लिस्ट वो ऑफ कैसे बन जाता है? स्टूडेंट। हाँ क्योंकि सर, वो वो जेनरिक बना अंदर हुआ में है और उसमें आप कोई भी डेटा टाइप, डाल सकते हैं ठीक है। अब देखिए ये सर। जो उसमें कैपेसिटी कैसा आ जाता है, उसमें कितना साइज का चाहिए करके। हाँ उसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग यही लिखे थे ना, साइज, लेकिन हम लोग मतलब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट साइज बनाते। लिखे थे। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है। हम लोग जो अभी एक बनाए थे एरे, INT साइज लिखे थे। उसमें INT साइज पास किए थे, दैट हाँ सर, इज नथिंग बट कैपेसिटी, राइट, और उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए थे। हाँ सर, लेकिन हम वैसा लोग ही जब कुछ जब हाँ, ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी किया हुआ होगा। देखिए हाँ अंदर में देखिए तो क्या हो रहा है, एरे के जैसा यूज हो रहा है कुछ, हाँ सर, इंडेक्स INT इंडेक्स। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ और दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, वैसे हाँ आपका सर, क्वेश्चन क्या था इसाकी? मतलब वो जो उसके अंदर जो एरे है, मतलब उसका साइज कैसे ले लेते हैं, मतलब इधर मुझे नहीं, लिस्ट यहाँ बना पे दी। एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, लिस्ट एक अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट एक अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम पहले से पॉकेट डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक
ठीक हाँ सर, है लेकिन वो कैपेसिटी कैसा रहता है अंदर, वही समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम लोग कभी अगर बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का, हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप खूब इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कोड हाँ नहीं सर, लिख रहा है राइट, ठीक है। तो हाँ देखें वो भी आराम से दो तीन नहीं, इसमें कोड नहीं लिख रहा है राइट। तो जहां नहीं दिख रहा है तो वहां पे तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी किसी में दिखता है राइट। क्या तो देखिए इतना सारा मेथड है लिस्ट के अंदर में, इतना सारा मेथड है, यही है सब आपको लिस्ट में दिखता है। जब आप लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस पर डॉट लगाते हैं, इतना सब कुछ दिखता है ना, बहुत सारा कुछ सर। दिखता है राइट। तो खैर छोड़िए, हम बता क्या रहे थे, आई न्यूमेरेबल और आई क्वेरिएबल राइट। तो ये होता क्या है, देखिए दो तरह का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, दो इंटरफेस बना हुआ है, एक आई न्यूमेरेबल और दूसरा आई क्वेरिएबल, ठीक है। तो आई क्वेरिएबल जो है वो मेनली आपको एंटिटी फ्रेमवर्क या बोलिए कि आपको लिस्ट से रिलेटेड, मतलब मेनली जो है डेटाबेस के क्वेरी से रिलेटेड जो भी उसमें अंदर में क्लास वगैरह बनाया गया है, वहां पे आई क्वेरिएबल को जो है वहां पे हम लोग जो सी शार्प के अंदर में जो उसका डॉक्यूमेंट कहता है वो ये कहता है कि आई क्वेरिएबल जो है वो आपका एंटिटी फ्रेमवर्क, जो डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेरी वगैरह आप करते हैं उसको हैंडल करने के लिए अलग से एक इंटरफेस बनाया गया है आई क्वेरिएबल। और उसमें काम उतना ही होता है जितना आई न्यूमेरेबल में होता है, लगभग वही सारा मेथड है, मेथड सब सेम ही है ठीक है। लेकिन फिर भी वो अलग से बनाया गया है, उसका रीजन ये है कि बोला ये गया है जहां जहां हम आई क्वेरिएबल इंप्लीमेंट किए हम ये मानकर चले हैं कि हम वहां पे डेटाबेस को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए उसका परफॉर्मेंस को हम लोग ध्यान में रखे हैं। तो अब डेटाबेस का अगर क्वेरी वगैरह आप करते हैं तो आप आई न्यूमेरेबल के जगह पे आई क्वेरिएबल का इंटरफेस यूज कीजिए, तो वो फास्ट काम करेगा। बात समझ में आ गया, आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू में मेनली साथ ही आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मतलब डिफरेंस बिटवीन आई इन्यूमेरेबल एंड आई क्वेरिएबल। आई क्यूरेबल मतलब डेटाबेस में काम करता है। हाँ मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से किया गया है कि डेटाबेस से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं वहां पे अगर आई इन्यूमेरेबल के जगह पे अगर आप आई क्वेरिएबल में डालिए, आई इन्यूमेरेबल के जगह पे किसमें डालिए, आई क्वेरिएबल में, तो उसका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा फास्ट होगा आई इन्यूमरेबल के कंपैरिजन में। अब आई इन्यूमरेबल क्या हो गया, ये जो आई लिस्ट जो है वो कहां से आ रहा है, आई इन्यूमरेबल से। बात समझ में आ गया, तो लिस्ट कहां से आ रहा है, आई इन्यूमरेबल से। अब अगर आप आई इन्यूमरेबल में जाइएगा तो देखिए आपको दिखेगा कि इसमें कौन कौन सा मेथड है, बस एक ही है गेट इन्यूमरेटर राइट, बस एक ही है गेट इन्यूमरेटर मेथड और कुछ नहीं। और वो भी देखिए आया है, एक सेकंड रुकिए में तो और इसमें इसको सर परफॉर्मेंस, आई क्वेरिएबल में मतलब सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है डॉक्टर। हाँ सर मतलब आई क्वेरिएबल परफॉर्मेंस का, एक सेकंड, आई क्वेरिएबल का जो परफॉर्मेंस है वो आई न्यूमेरेबल के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होगा जब आप डेटाबेस वगैरह से क्वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक क्वेरी जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वेयर है ना फंक्शन, ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेयर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आई आई क्वेरिएबल। बात समझ रहे हैं, ये क्या रिटर्न कर रहा है राइट। क्वेरिएबल तो मतलब ये सर, बेसिकली ये मतलब हाँ फास्ट कैसा हो रहा है, मतलब विजुअली वो देखना है उसका तो अंदर का सर। इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो स्पेशली आई क्वेरिएबल बनाया गया है इसलिए ताकि डेटाबेस का काम उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा करे, थोड़ा ज्यादा फास्ट करे। बात समझ गए, कैसा हो रहा है का मतलब वो अलग से बनाया ही गया इसी पर्पस के लिए, और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि डेटाबेस का जो क्वेरी वगैरह का जो भी सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट काम करे, ठीक है ऐसा कि हाँ सर, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, उसका पर्पस ही यही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आई क्वेरिएबल में हम लोग फीस लिए हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट फीस करके वेयर में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एप डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट इक्वल्स S0013 एंड बैंक डॉट डिटेल्स इक्वल्स SBI। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये हो और बैंक डिटेल क्या हो SBI। SBI, वो सारा रिकॉर्ड दिखेगा, वो हाँ सारा रिकॉर्ड सर, आएगा, वो कहाँ जाएगा, फीमेल फी फीस में। अब यहाँ पे लिस्ट देखिए डिस्प्ले फी जो हम बनाए हैं उसमें जो पैरामीटर वो कैसा जाना चाहिए, में लिस्ट डाले हैं राइट, लिस्ट जाना है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू लिए हो किसमें लिए हैं, एक्यूरेबल। आई क्वेरिएबल में। अब आई क्वेरिएबल और आई लिस्ट दोनों तो अलग अलग है ना, अलग अलग ना क्लास है, हाँ आई क्वेरिएबल अलग क्लास है और लिस्ट क्या है, लिस्ट कहाँ से आया है, आई इन्यूमरेबल से आया है, किससे आया है,
इनूमरेबल लिस्ट किससे आया है, क्या देखे आई अभी? नूमरेबल से आया हाँ, है, आई नूमरेबल आई न्यूमरेबल से। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पे आई कैरिएबल की जगह पे आई लिस्ट लिखे होते, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, इसको यहाँ पे बाद में टू लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर, वो टू लिस्ट में तो इससे पहले किए ही है, तो फिर हमको यहाँ पे इसको टू लिस्ट करने की जरूरत इनूमरेबल नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि लिस्ट कहाँ से आया है? आई न्यूमरेबल से से, ना, आई ठीक नूमरेबल से। है, तो उसका जो चाइल्ड है लिस्ट, वो तो आई न्यूमरेबल में जाएगा ना, हाँ हाँ उसका चाइल्ड जो लिस्ट है वो आई न्यूमरेबल में जाएगा, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये हम यहाँ पे आई क्वेरिएबल में डाल रहे हैं, तो इसको हमको फिर से किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? अरिस्ट पे टू लिस्ट। और तो उसके लिए एक मेथड दिया हुआ है टू लिस्ट, आई क्वेरिएबल में एक मेथड दिया हुआ है टू लिस्ट, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में। लिस्ट में। बात समझ में आ गया? हेलो। सर तो ये सब जो है हम आपको इसलिए हम थोड़ा सा रुक के बता रहे हैं, उसका कारण ये है कि आप लोग जब काम कीजिएगा ना, तो आपको बहुत बार एरर वगैरह आएगा। और कैसा एरर आएगा, जैसे अभी हम इसको हटा देते हैं और दिखाते हैं, अभी एरर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जैसे बोलता है कि भाई इस डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम सिस्टम डॉट लिंक डॉट आई क्वेरिएबल ऑफ लिस्ट क्वेरी एंटिटी फ्रेमवर्क फी टू सिस्टम डॉट लिस्ट कलेक्शन डॉट जनरेट जेनरिक डॉट लिस्ट। देखिए ये अलग ही पूरा है, राइट? ये अलग ही ना पूरा क्लास है, ये लिस्ट क्लास है लिस्ट जेनरिक के अंदर में, और ये कहाँ है? सिस्टम डॉट लिंक डॉट आई क्वेरी। ये लिंक्यू जो बनाया गया है वो डेटाबेस के लिए बनाया गया है। ये लिंक्यू किस लिए बनाया गया है? डेटाबेस के लिए बनाया गया है। जो हम लोग अभी ये सब क्वेरी वगैरह कर रहे हैं, इसका ये जो है लिंक्यू के अंदर में आता है, लिंक टू एंटिटी, लिंक टू इंटिटी एंटिटी। क्योंकि हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क, तो हम लोग एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, या बोल लीजिए आप टेबल। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एंटिटी को आप डायरेक्टली टेबल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो आप क्लास बनाए हैं, फी क्या है? टेबल ही ना है, लेकिन आपके यहाँ पे क्या है? क्लास है, राइट? ऑब्जेक्ट है। सी शार्प में फीस क्या है? सी शार्प में फी क्या है? वैसे तो टेबल है, क्लास टेबल क्लास ये है। सी टेबल शार्प में फी क्या है? क्लास क्लास है, क्लास है। और ये क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? है, डेटाबेस सी फी टेबल के साथ, राइट? फीस टेबल के साथ, टेबल, सी टेबल सर। है ना? डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। यस सर, हेलो। डेटाबेस तो देखिए, आप लोगों को थोड़ा होलिस्टिक में थोड़ा सा अच्छे से समझना, अगर एक बार अच्छे से समझ गए ना, देखिए ये सब बेस है, अगर ये आपका अच्छे से क्लियर है ना, तो आप कभी कोई एरर मैसेज आएगा, या कभी कुछ जो चीज ऐसा है जो हम नहीं बताए और आपको कुछ जरूरत पड़ गया, बाद में कहीं से आप देखे ये डॉक्यूमेंट, देखे वो डॉक्यूमेंट, देखे नेट पे, देखे इधर देखे उधर देखे, आपको कुछ दिखा, तो आप उसको समझने की स्थिति में होंगे। तो आपको बताने का ये था कि भाई देखिए, यहाँ पे जैसे आप एरर मैसेज आया, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम सिस्टम डॉट लिंक डॉट आई क्वेरिएबल टू सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक डॉट लिस्ट। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि फीस का टाइप क्या है? आई हाँ क्वेरिएबल। फीस का टाइप क्या है? आई एक क्वेरिएबल। डिस्प्ले वेरिएबल लिस्ट, डिस्प्ले फी में हमको देना क्या है? लिस्ट ऑफ पे लिस्ट। लिस्ट तो अब ये आई क्वेरिएबल जो है हम कहाँ डाल रहे हैं? लिस्ट के जगह पे। तो क्या बोल रहा है? आई क्वेरिएबल जो आप डाल रहे हैं वो आप लिस्ट में कन्वर्ट हम बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे लिस्ट जब लिस्ट भेजना है, तो आपको यहाँ पे क्या देना है? लिस्ट ही देना में है। बात समझ गए? है कन्वर्ट। ना? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई, अब हमको मान लेते हैं हमको याद नहीं है कि कैसे होता है, तो हम देखेंगे कि क्या सर्च करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट आई क्वेरिएबल टू लिस्ट, यही ना सर्च कीजिएगा? बात समझ में आ रहा है? तो हम खाली आपको प्रोग्राम अभी के लिए नहीं बता रहे, इस तरह का बहुत सारा कुछ आएगा, तो आपको कम से कम ये सर्च करना आना चाहिए। आपको ये पता नहीं चाहिए कि इसका सॉल्यूशन करने प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन कहाँ खोजे। कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा आपको याद ही रहेगा कि यहाँ पे टू लिस्ट बना है कि नहीं बना है। समझ रहे हैं बात? सर फाइल यस सर। रिलेटेड कुछ भी मतलब क्लास ढूंढना रहेगा तो फिर कहाँ से ढूंढ सकते हैं, फिर से बोलिए। हाँ, मतलब फाइल के रिलेटेड चीज सब फाइल। सी शार्प फाइल का तो मतलब कौन सा फाइल? ऐप डोमेन आपसे पूछा फाइल सर, ऐप डोमेन ही सब। वो ऐप डोमेन जो है सी शार्प करनी, वो आईएएस का चीज है। नहीं है इसका क्या, वो हाँ, पूछा उसको को सी नया शार्प से नया लेना बताया देना था उस नहीं दिन, है। तो समझ में नहीं आया उसने पूछा आपसे।
अच्छा, तो सी शार्प से रिलेटेड नहीं है वो, आईआईएस से रिलेटेड है। ठीक, हाँ सर, ओके। तो ये समझ में आया हम इतना बकबक क्यों किए, ये टू लिस्ट बताने के चक्कर में इतना बकबक क्यों किए, समझ में आया आप लोगों को? क्या समझे, कुछ बताइए क्या एरर समझ में आया, क्या बोले हम? आएगा तो मैं मतलब वो डॉक्यूमेंट में जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हम इतना इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे एरर आने का चांसेस है, यहाँ पे एरर आने का चांसेस है। ठीक है, समझ रहे हैं, तो इसलिए हम आपको इतना बोले। एक दूसरा तरीका ये होता है कि इतना जो झंझट यहाँ पे हम किए हैं, यहाँ पे ये ना करके, है ना, ये यहाँ पे हम, क्योंकि देखिए वेयर तो रिटर्न करेगा आई क्यू वेरिएबल, वेयर क्या रिटर्न करेगा, आई क्यू आई वेरिएबल, क्योंकि वो आया ही आई क्यू वेरिएबल से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं लिस्ट में क्या करते हैं, क्यूरिएबल कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं, कर क्या देते करते हैं लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप चाहें तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे डॉट टू लिस्ट, हैं। हाँ सर, वहां ये पर भेजना सीधा पड़ेगा ना, एक मिनट, यानी वो भी लिस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट टू, ओ यहाँ नहीं है, पहले तो यहाँ पे आपको इसको चेंज क्या करना करना पड़ेगा, होगा, लिस्ट आई में करना वेरिएबल की जगह पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, आई लिस्ट ई न्यूमेरेबल या लिस्ट लिस्ट कुछ भी लिखिए, क्योंकि लिस्ट कहाँ से आया है आई नंबर। आप लोग देख लिए ना, कहाँ से आया है हाँ लिस्ट, आई नंबर आई न्यूमरेबल से, तो आप आई न्यूमरेबल भी लिख सकते हैं डॉट टू लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, आप ये करेंगे तो अभी क्या हो गया, ये रिटर्न तो किया था आई वेरिएबल, लेकिन आप उसको यहाँ पे टू लिस्ट लगा के किसमें कन्वर्ट कर दिए, लिस्ट लिस्ट में में। अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, आई न्यूमरेबल रख सकते हैं या लिस्ट रख सकते हैं, लिस्ट भी रख सकते हैं, लिस्ट भी रख के देख लीजिए, बात समझ में आया? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? या तो यहाँ सर मतलब ये हो गया, या तो यहाँ लिस्ट कीजिए या तो वहां कीजिए। हाँ, मतलब कहें तो आपको हम बस ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे जो है कुछ एक चीज है, उसका नाम क्या है, आई आई कोरियेबल, आई कोरियेबल वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आया, यही हमको आपको दिखाना था, इसलिए हम यहाँ पे लिख के रखे थे। तो बेसिकली क्या है कि आप जो भी कुछ आप लोगों को बताए हैं बेसिक इनहेरिटेंस और ये सब, सर जब वो जो है हर जगह पे अप्लाई होता है, तो इसलिए बेसिक्स जो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा 100% दिमाग में क्लियर बैठा मिलता हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बात समझे, है। यस नहीं तो हर जगह पे दिक्कत होगा। खैर, ये क्वेरी आप समझ गए, तो यहाँ पे फीज में डॉट वेयर लगा के अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, हम लोग पहले और का किए थे, यहाँ पे हम एंड का कर दिए हैं, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, और आप लोग जब रन करा के देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैसा वैल्यू डालेंगे जो कि आपके डेटाबेस में है, बात समझ में आ गया, ये नहीं कि और ये वाला बैंक वैल्यू भी डाल सर, के बोलिएगा रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। और बैंक भी ना, हाँ? और उसका बैंक भी वही होना चाहिए ना सर। हाँ, बैंक में आप लोग अपना चेक करिएगा अपने डेटाबेस में वैसा रिकॉर्ड है, तो उसके बाद जो है वैसा वैल्यू डाल के उसके बाद क्वेरी रन कीजिएगा तो कुछ रिकॉर्ड मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा दीजिएगा जो है ही नहीं तो नहीं रिकॉर्ड मिलेगा, बात समझ में आ गया है? तो ऊपर वाला को हम क्या कर दिए हैं, कमेंट कर दिए हैं, ये आप लोग लास्ट वीक में किए थे ना, यहाँ तक तो हाँ किया हुआ सर, है ना, तो अभी हम लोग केवल क्या किए हैं उसको कमेंट कर दिए, उसका अभी काम नहीं है, और ये वाला नया लिखे हैं, इसको अभी हम लोग रन करेंगे। तो चेंज क्या है लास्ट वीक के प्रोग्राम में, जो आपका ये जो मेथड था कौन सा, कस्टम वाला, राइट, गेट फीज कस्टम, है ना, ये आप लोग लिखे थे ना लास्ट वीक में, गेट हाँ फीज सर, कस्टम, तो उसमें ये वाला चीज लिखा हुआ था, उसको अब हम कमेंट कर दिए हैं, आप लोग भी इसको कमेंट कर दीजिएगा, और उसके जगह पे क्या लिख दिए हैं, ये वाला लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान चीज है, और इतना चीज बोले हैं आप लोगों को समझ में आ गया ना, एंड क्या है, आई क्वेरिएबल क्या है, आई लिस्ट क्या है, कैसे यूज हो रहा है, समझ में आ गया है? चलिए, थैंक यू, अब इसको रन करते हैं, समझ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो क्वेरी दिए थे क्या बोले थे, एसबीआई और रजिस्ट्रेशन नंबर S0013 ना, एक ही रिकॉर्ड ना देगा सर, है? एक ही क्यों देगा, एक मान लेते मेरे पास दो रिकॉर्ड है तो दो देगा ना, ये तो फी टेबल है ना, एक ही आदमी बहुत बार फीस दे सकता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर एक हो सकता है सर उसका। भाई साहब, ये फी टेबल है ना, तो एक ही आदमी बहुत बार फीस नहीं दे सकता है, हाँ दे सकता हाँ, है, हाँ तो सर, हाँ दे जितना बार फीस देगा सकता तो उसका लिखेगा ना कि कौन रजिस्ट्रेशन नंबर है। है। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रिकॉर्ड आया है क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, S0013, ये वाला S0013, ये भी S0013, और दोनों का बैंक क्या है, सेम ही है। एसबीआई है, यही मेरा हाँ क्वेरी था ना, तो सही रिकॉर्ड आ रहा है, सर,
ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको लिखेंगे, लिखिए हाँ सर, कहाँ लिखना है पता है ना? हाँ गेट पी कस्टम के पास लिखना है सर। चलिए हम दो लाइन में कर दिए ताकि आप लोगों का छूटे नहीं। कौन सा मेथड में लिख रहे हैं हम लोग? गेट गेट कीज पी कस्टम, कस्टम सर भी जो है कमेंट सर, कर रहे हैं। तो ये था एंड क्वेरी, राइट? पहले और क्वेरी था, अब एंड क्वेरी दिखा दिए हैं। एंड और दोनों दिखा दिए हैं, आप एंड और सब कॉम्बिनेशन मिला के और कीजिएगा। प्लीज यहीं पे रख के छोड़िएगा नहीं, अगले चीज अगले वीक में हमको सेम चीज यही ना बोलना पड़े। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब हम इसको भी कमेंट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? सुमन, सर। आपके लिए भी हाँ सुमन, सर, यस सर, ठीक है? जो अभी हम लोग किए हैं उसको अभी हम कमेंट कर दिए हैं, अब हम लोग नया क्वेरी लिखेंगे, ठीक है? यस सर। एंड क्वेरी हो गया, और अब हम लोग करते हैं ऑर्डर बाय। क्या करेंगे? ऑर्डर बाय, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक? ऑर्डर बाय, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेरी होता है जो ना? अभी क्वेरी लिखे उसको हाँ कमेंट कर सर, दिए, हाँ जो हाँ अभी क्वेरी लिखे तो उसको कमेंट कर दिए। हाँ उसको कमेंट कर देते हैं, उसको रिजल्ट दे दिए ना। अब आपको आगे एक्सप्लोर करना होगा तो आप करते रहिएगा, ठीक है? यस इसको मान कमेंट करना, नया क्वेरी। अगर आपको ऑर्डर बाय करना है, क्या करना है? ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? तो यहाँ पे ऑर्डर बाय फंक्शन बना हुआ है, तो डीबी कॉन्टेक्ट डॉट फीस डॉट ऑर्डर बाय, और कौन से फील्ड पे? तो जिस फील्ड का नाम लिखना है उसको ऐसे लिख देना है, एप्सेस डॉट एप डॉट अमाउंट। अच्छा, आपको एक चीज और भी बताना था कि आखिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है? पहले ये कर ये लेते हैं, सॉर्टिंग हो गया ना, हाँ ये सॉर्टिंग हो गया। क्या हो गया? सॉर्टिंग किसके आधार सॉर्टिंग पे? अमाउंट सॉर्टिंग अमाउंट के के आधार आधार पे, पे। हाँ अमाउंट के आधार पे। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर लीजिएगा। आपको बैंक डिटेल के आधार पे करना हो, कोर्स आईडी के आधार पे करना हो, या फिर सर, जैसे हाँ आप एक कमेंट ये रन किए क्वेरी, तो इसको कमेंट कर देना है ना, उसके बाद उस दूसरे हाँ, कमेंट। उसने तो फिर क्या होगा ना, फी ये है, यहाँ तो एनीवे ओवरराइट होने वाला है फी, राइट? हाँ ये तो ओवरराइट ही ना हो जाएगा, तो इसका तो ऐसे भी हाँ वैल्यू जीरो ही ना हो जाएगा, हाँ इसी नहीं, के लिए अभी लिखा जैसे है। सर सॉर्टिंग जो कर आप अमाउंट पे कर रहे हैं, हाँ, जैसे हम लोग आप कुछ भी रजिस्ट्रेशन दूसरे पे फील्ड कर पे कीजिएगा, लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे कीजिए, बैंक पे कीजिए, डेट पे ये कीजिए, सबको मतलब वो कमेंट करता जाऊंगा। हाँ कमेंट कर करके आप रखिएगा, है ना? आपको खाली ट्राई करना है, राइट? हाँ इसको रन करें, ठीक है? तो हम लोग किस पे किए हैं? अमाउंट पे ना? अमाउंट पे सर। देखिए अमाउंट कहाँ है मेरा, यहाँ पे, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में किए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे कम वैल्यू, राइट? 21,975 है, फिर 22,000, 23,000, देख रहे हैं हो हाँ सर, गया है, और सबसे लास्ट में होगा सबसे हाईएस्ट वाला। कितना अमाउंट? सॉर्टिंग में क्या मतलब, सबसे असेंडिंग सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सर, मतलब असेंडिंग जो ऑर्डर, जो घटते बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना। क्रम या तो असेंडिंग ऑर्डर का असेंडिंग। मतलब बढ़ते क्रम में। सुमंत, यस सर, यस, जो लास्ट, यस, जो सबसे हाईएस्ट है पहले वो लास्ट छोटा, में उसके आएगा। बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, एक सेकेंड एक सेकेंड, दो दो लोग जो बोल रहे थे। हाँ सुमंत, क्या बोल रहे हैं? मतलब हाईएस्ट होगा वो लास्ट में आएगा। हाँ, ये होगा लास्ट में, राइट? तो अगर आपको सॉर्टिंग करना हो यस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कौन सा फंक्शन यूज ऑर्डर बाय, किए हैं? ऑर्डर बाय। ऑर्डर जल्दी बाय, से कर लीजिए, ऑर्डर और बाय। ठीक है, इस लाइन को लिखिए और रन कीजिए, ठीक है? डिस्प्ले फी से ऊपर लिखना है, पहले वाले को कमेंट करना है। जल्दी होपफुली हम से ट्राई किए हैं कि जितना भी कॉमन सिनेरियो है जो कि बहुत ज्यादा यूज का चीज है, वो सब हम आपको सीधे बता ही दें ताकि आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम हो, ठीक है? लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहीं पे बात खत्म हो जाता है, तो बस हाँ, ठीक है? तो अगर डिसेंडिंग करना है तो क्या है? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग डिसेंडिंग। फंक्शन बना हुआ है। अभी क्या आइए होगा? सर, ऑर्डर बाय में सीधा यहाँ असेंडिंग पे लिख फिर रहे हैं। डॉट डॉट डाला हुआ है ना भाई साहब, हाँ छोटा यस से सर, बड़ा को बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग, अब बड़ा से छोटा को यस सर, बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है? डिसेंडिंग, तो इसमें आपको यस सर, दिखाएगा बड़ा से छोटा, कोई तो दिक्कत यस, नो सर, नहीं? रन करें इसको, यस सर, क्या बात, अभी हमको क्या मिलेगा? सबसे छोटा वाला सबसे बाद में, और सबसे सबसे बड़ा वाला पहले ऊपर, पहले, ठीक है? यस।
चलिए जल्दी से कीजिए, तो ये भी उसको पहले वाले को कमेंट कर दीजिएगा और ये वाला लिखिए, रन कीजिए। चलिए अगर एक से ज्यादा फील्ड में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, देन बाय ऑर्डर बाय देन बाय। कभी कभी एक से ज्यादा फील्ड में ऑर्डर करने का जरूरत होता है। हाँ सर, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, उसके बाद क्या है डॉट देन बाय, क्या है डॉट दोनों देन बाय, ठीक है। और उसके बाद क्या होता ऑर्डर है ही है मतलब डॉट भाई, अमाउंट, तो पहला पहले एक इस पे ऑर्डरिंग होगा उसके बाद इस पे पहले बैंक होगा डिटेल्स पे, तो बैंक। सारा बैंक एक साथ, उसके बाद उस बैंक में जो पैसा आया है, तो जो उसमें क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट असेंडिंग, बाय अमाउंट डिफॉल्ट क्या है डिसेंडिंग होगा सर। असेंडिंग, ठीक है। अगर डिसेंडिंग करना है तो इसी में देखिए होना चाहिए ऑप्शन डॉट देन बाय डिसेंडिंग, है ना, हाँ सर, बात समझ रहे हैं। तो अगर डिसेंडिंग कर यस देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा दोनों चीजें, बैंक डिटेल भी और अमाउंट भी, बात समझ गए। इसको रन करके यस देखें, तो ऑर्डर बाय क्या लगाया है, हाँ डिसेंडिंग, उसके बाद डॉट देन बाय डिसेंड, बड़ा इजी है राइट, फंक्शन नाम वैसे ही रख दिया गया है। तो एक से ज्यादा फील्ड पे ये आपका ऑर्डरिंग करेगा, सुमन समझ में आ रहा है ये बात, सर, पहले बैंक पे करेगा उसके बाद बाकी, उसके बाद सेकंड जो अमाउंट है में करेगा। पे करेगा, ठीक है। ओके तो देखिए, तो पहले बैंक कहाँ है, जरा ऊपर जाते हैं, बैंक कहाँ है, बैंक डिटेल, तो सारा यूनाइटेड बैंक सब एक साथ है, देखिए तो सारा यूनाइटेड बैंक का डेटा एक साथ आ गया है। नहीं अरे भाई साहब ये दिख तो ये वाला, रहा, ये सारा यूनाइटेड बैंक है, आउटपुट नहीं दिख रहा है आउटपुट नहीं सर। दिख रहा है। सर हेलो, हाँ नहीं सर आउटपुट, अभी दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा, ठीक है। इसमें देखिए सारा यूनाइटेड बैंक एक साथ हो गया है, हाँ सर, ठीक है। अब उसमें जो है अमाउंट, राइट, अमाउंट किधर है, अमाउंट ये है, उसमें अमाउंट देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पहले 1,99,000, फिर 1,97,000, 1,97,000, 1,85,000, 1,81,000 हाँ है। तो पहले बैंक, उसके बाद अमाउंट, फिर यहाँ एसबीएम में जाइए, एसबीएम यहाँ स्टार्ट हुआ राइट, एसबीएम हुआ है, एसबीएम में सर, भी हाईएस्ट, उसके बाद उसके कम, उससे कम, उससे कम, कोई दिक्कत नो नहीं। तो ऑर्डर बाय जो है एक या एक से ज्यादा फील्ड पे भी हो गया आपका, नोट कीजिए जल्दी कीजिए, अब ग्रुप बाई करेंगे, हम पूरा ही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अब कुछ है ही नहीं, ठीक है, सब कमेंट कर दिए, ग्रुप बाई कहीं और करेंगे, ठीक है, इसको हम पूरा कमेंट कर दिए हैं, आप लोग भी पूरा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ऑर्डर बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, चलिए। तो अभी हम एक नया मेथड बना रहे हैं, गेट फीस ग्रुप कस्टम, ठीक है, नया मेथड क्या बनाया है, गेट फीस ग्रुप कस्टम, क्यों ग्रुप बनाना पड़ा हमको, आपको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ले लिया, तो वो हर बार करते हैं, वर फीस इक्वल टू डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट फीस डॉट ग्रुप बाय एफ डॉट बैंक डिटेल्स, क्या लिखे हैं, ग्रुप बाय कस्टमर बैंक डिटेल्स। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना, अभी देखिए ग्रुप बाय में रिटर्न क्या कर रहा है, जरा देखिए तो रिटर्न क्या कर रहा है, एक्यूरेबल आई क्वेरिएबल, उसके बाद आई ग्रुपिंग आई ग्रुपिंग, और उसमें क्या है स्ट्रिंग 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 है कॉमा सर, फी। पी तो ये आई ग्रुपिंग पी जो है, यहाँ पे देखिए एक सेकंड रुक जाइए, ध्यान से देखिएगा, अभी जो आप लोगों का क्वेश्चन था ना किसमें, जेनरिक में, कि दो डेटा टाइप हो सकता है क्या, तो यहाँ पे आई ग्रुपिंग में कितना तरह का डेटा टाइप है, हाँ सर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और और पी फी, है, पी स्ट्रिंग और है। फी, राइट। तो आप कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका ग्रुप बाय है वो आई क्वेरिएबल तो देगा, लेकिन उसके अंदर में क्या है, आई ग्रुपिंग होगा,
और उसमें क्या है, स्ट्रिंग और फी ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और फी फी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो चीज आपको मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, फी। फी ऑब्जेक्ट क्योंकि फी मिल तो आप लोग रहा फी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको फी दे रहा है, बात समझे, नहीं कोई दिक्कत। तो आपको सर। दो मिल रहा है, एक स्ट्रिंग है दूसरा फी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे, हाँ, तो की वैल्यू पेयर से आएगा क्या ये सर? ये की वैल्यू पेयर से आएगा, ठीक हाँ उसके लिए है। स्ट्रिंग और ये रहेगा। स्ट्रिंग में क्या होगा, की होगा, और उसके बाद हाँ फी क्या हो गया, वैल्यू, वैल्यू रहेगा। ठीक है। तो अब आपको जरा हम लोग को ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे दो लेवल में हम ग्रुपिंग करेंगे, पहले इसको समझेंगे कि काम कैसे करता है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो ये जो अभी है बेसिकली, जब आप ग्रुप बाई करते हैं क्वेरी में, तो ग्रुप बाई कोई फील्ड करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ काउंट या सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ सर हाँ नहीं लेकिन यहाँ पे देखिए, हम ग्रुप बाई तो किए, लेकिन कुछ भी लिखे हैं, काउंट, मीन, मैक्स, ऐसा कुछ लिखे हैं, सम कुछ नहीं नहीं लिखे, निकाले सर कुछ हम भी नहीं लिखे, राइट, सम, काउंट, मीन, मैक्स, कुछ नहीं लिखे हैं। कुछ नहीं। सत्यम, आप लोगों को अगर मिनिमम बेसिकली होता कि अगर हम गुड बाई करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, काउंट, सम, कुछ भी करते हैं, राइट। हाँ सर हाँ तो यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, जस्ट केवल आपको समझाने के लिए कि आखिर ये ग्रुप बाय काम कैसे करता है, ये पहले आप लोग समझिए, ठीक है। फिर हम लोग इसमें मीन, मैक्स और ये सब भी लगा के देखेंगे, कोई दिक्कत। नहीं चलिए, तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपको कितना चीज मिल रहा है, यहाँ पे फीस में कितना चीज मिलेगा, स्ट्रिंग दो चीज, स्ट्रिंग और फी के, और ठीक, फिर राइट। टाइप क्या होगा, हाई आई ग्रुपिंग वेरिएबल, और उसके अंदर में आई ग्रुपिंग और स्ट्रिंग और फी, राइट, यही ना आपका टाइप। हाँ चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाया है, डिस्प्ले ग्रुप फी, क्या बनाया मेथड, डिस्प्ले ग्रुप ठीक ग्रुप है, थी अलग, पहले डिस्प्ले फी था, यहाँ पे बना दिया ग्रुप फी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब इसमें अगर हम जाएंगे डेफिनेशन में, तो यहाँ पे देखिए, तो पैरामीटर क्या है, आई वेरिएबल, आई ग्रुपिंग, स्ट्रिंग फी, हाँ सेम चीज, राइट, तब ना वो काम करेगा, जो पैरामीटर वहां रिटर्न करेंगे वही ना यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। सर ध्यान से सब लोग देखिए, हम आपको इसलिए बेसिक्स हमेशा पता होना चाहिए, ये जो फीज है ये क्या रिटर्न दे रहा है आपको, आई वेरिएबल ऑफ, आई ग्रुपिंग ऑफ, स्ट्रिंग और, फिर राइट, ये दे रहा है ना। तो अगर जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमको जहां पे भी एक्सेप्ट करना होगा वहां पे भी डेटा टाइप क्या देना होगा, सेम चीज, फिर आई वेरिएबल ऑफ, आई हाँ ग्रुपिंग ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ फी, राइट, कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं सर नहीं। और पैरामीटर का नाम यहाँ पे क्या हो गया, फीस, हमारा वैल्यू क्या हो गया, फीस, फी में क्या है, फीस में क्या क्या है, स्ट्रिंग है और फी है, दो चीज है ना, स्ट्रिंग और ठीक एफपी है है। और ये है कि है? ग्रुपिंग, ये क्या है, आई ग्रुपिंग ग्रुपिंग इंटरफेस के आई अंदर में, राइट, कोई ग्रुपिंग दिक्कत है, नो सर नहीं। तो हम बोले क्या, वर फी ग्रुपिंग इन फीस, क्या बोले, वर फी ग्रुपिंग इन फीस, ठीक है। इसमें सर क्या सर हाँ वर क्या है, आपका डेटा टाइप है, राइट, सर अगर आपको नहीं, अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट डेटा टाइप और ये सब, तो आप क्या लगा दे सकते हैं, वर वर लगा लगा सकते सकते हैं हैं, सर वो अभी ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि स्ट्रिंग वर और एफ डायन, बी सत्यम, सॉरी सुमंत, यस वर सर डायनामिक, ये दो चीज का जो आपका वीडियो है वो एक बार देखिएगा आप, वर और डायनामिक एक ही दिन बताए होंगे, ठीक है, और हाँ, डायनेमिक वर और डायनामिक, उसका एक बार वीडियो देखिएगा, रिवीजन करना होगा आपको, ठीक एंटिटी है। फ्रेमवर्क सर ओके एंटिटी फ्रेमवर्क में नहीं, आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता रहे थे सर तब बताए हैं, ऑब्जेक्ट ठीक ओरिएंटेड है, कोई यस सर दिक्कत नो सर नहीं, चलिए ठीक है। तो वर फी ग्रुप इन फीस, अभी फी ग्रुप में दो चीज है ना आपके पास, एक क्या है, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग का जो फील्ड का नाम है उसका नाम क्या है, की, क्या है भाई साहब, हाँ फी ग्रुप में क्या क्या है, स्ट्रिंग है और की ऑब्जेक्ट है, राइट, सर दो है ना, एक हाँ स्ट्रिंग या सर दूसरा क्या है, पी फी। तो यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, की है, क्या है, की का मतलब क्या नहीं है, समझ पा रहा हूँ ये सर बेसिकली क्या करेगा, हम लोग जो सर ग्रुप किए हैं किसके, हाँ एक सेकंड ध्यान से सुन लीजिए, ये जो हम लोग ग्रुपिंग किए हैं वो किसके आधार पे किए हैं, फी के आधार, किसके आधार पे किए थे, जरा देखें, के आधार पे नहीं रुक जाइए, अमाउंट की भी
डिटेल पे, किसके आधार पे किया है ग्रुपिंग? डिटेल के अलावा सिर्फ बैंक बैंक डिटेल पे। तो डिटेल। ये क्या करेगा पता है, ये करेगा ये कि आपको जितना भी अलग अलग बैंक है, कौन सा बैंक है, एसबीआई है, एसबीएम है, यूनाइटेड बैंक है, सब अलग अलग बैंक यस है ना, तो ये क्या करेगा, एसबीआई जितना भी एसबीआई का रिकॉर्ड है एक जगह पे लाएगा, एसबीएम का रिकॉर्ड एक जगह पे, यूनाइटेड बैंक का रिकॉर्ड एक जगह पे, और उसको डिवाइड किसके आधार पे करेगा, की के आधार पे। यहाँ पे की क्या होगा, बैंक डिटेल, ठीक क्या होगा सर समझे, यहाँ पे की क्या होगा, बैंक डिटेल, बैंक बैंक डिटेल का वैल्यू, बात समझ रहे हैं। चलिए एक बार आपको डेटाबेस यस दिखाता हूँ, कौन सा था, ईएफ टेस्ट था, जी ठीक जो भी था। ओहो वेट, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है, तो अभी क्या करेगा ना, तो बैंक डिटेल में क्या है, एचडीएफसी बैंक, यूनाइटेड बैंक, एसबीएम है ना, और आपका सबके पास सबका अमाउंट है, राइट, तो हम लोग ये क्या, और सारा रिकॉर्ड है, तो ये क्या करेगा, जैसे एचडीएफसी का जितना भी रिकॉर्ड है, तो एचडीएफसी नाम का एक की बनाएगा, क्या करेगा, एचडीएफसी नाम का एक ग्रुपिंग करेगा, बनाए और एचडीएफसी बैंक का जितना भी रिकॉर्ड होगा, जितना भी रिकॉर्ड जिसमें एचडीएफसी बैंक है, उसका एक ग्रुप बनाएगा, फिर आईडीबीआई का एक ग्रुप, एसबीआई का एक ग्रुप, यूनाइटेड की बैंक का एक ग्रुप, एसबीएम का एक ग्रुप, तो बहुत सारे रिकॉर्ड है ना यहाँ पे, ठीक है, तो और ये जो ग्रुप बनाएगा, एक्सक्यूज मी, उसमें ये जो बैंक डिटेल फील्ड है उसको बनाएगा की, तो आईडीबीआई एक की हो गया, एचडीएफसी की का वैल्यू हो गया, यूनाइटेड बैंक की हो गया, एसबीएम की हो गया, समझ में आया बात, अब समझ में आया सत्यम आपको, बैंक सॉरी, के नाम को ठीक बना लिया हाँ, बैंक के नाम पे क्यों बना रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे फील्ड का नाम क्या दिए हैं, बैंक बैंक डिटेल। ग्रुप अगर किसके वो आधार पे गलत किए हैं, सर अमाउंट डालते तो बैंक अमाउंट के आधार पे होता, डिटेल, हाँ ठीक अगर है, अमाउंट करते तो अमाउंट को क्यों बनाता सर। अमाउंट कर देते तो अमाउंट के, लेकिन अमाउंट पे हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग या तो बैंक डिटेल पे करेंगे, या कोर्स आईडी पे करेंगे, या रजिस्ट्रेशन नंबर पे करेंगे, या डेट के आधार पे करेंगे, बात समझे, अमाउंट को क्यों नहीं करते ज्यादा है इसलिए। नहीं, ज्यादा से मतलब नहीं है, ग्रुपिंग किसके आधार पे कीजिएगा, ग्रुपिंग कुछ भी है एक ना ही सर। स्टूडेंट कितना बार आईक्यू पैसा दिया है, हाँ सर एक ही बैंक से कितना पैसा आया है ना, हाँ एक सर ही कोर्स से अमाउंट कितना पैसा आया है, तो ग्रुपिंग किसके आधार पे कीजिएगा, मेन हाँ मेन सर फील्ड पे, राइट, जिससे में कि आप रिकॉर्ड को सेग्रीगेट कर पाए, रिकॉर्ड को डिवाइड कर पाए, हाँ बात समझ में आया, समझ में आया बात, यस है ना, तो ग्रुपिंग जो होगा अमाउंट मेन मेन नहीं फील्ड पे समझ होगा, पा रहे हेलो भैया एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आपको ग्रुप बाय नहीं बताया है, इस ओके, देखिए हम लोग डेटा देखते हैं, अमाउंट पे अमाउंट में भी तो कई बार मतलब अलग अलग अमाउंट आ सकता है रुक ना। जाइए, देखिए आपके पास ये डेटा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है लोग को, हाँ सर नहीं आप देखिएगा, ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन, हाँ सर मेरा डेटाबेस है, इस पे अगर हमको रिपोर्ट प्रिंट करना पड़ा, इस डेटा पे हमको रिपोर्ट प्रिंट करना पड़ा, तो क्या क्या रिपोर्ट बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई साहब हमको ये बताओ कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है ना, हाँ सर ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसा करो, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है कितना पैसा दिया हमको बताओ, बोल सकते हैं, हाँ सर दूसरा बोल सकते हैं यूपीआई से कितना पैसा आया, कैश से कितना पैसा आया, चेक से कितना पैसा आया, कार्ड से कितना पैसा आया, ये रिपोर्ट हो सकता है, हाँ सर और फिर दूसरा हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक में कितना पैसा आया, यूनाइटेड बैंक वाला कितना पैसा आया, एसबीएम से कितना पैसा आया, एसबीआई से कितना पैसा आया, आईडीबीआई से कितना पैसा आया, ये एक रिपोर्ट बन हाँ सकती है, हाँ सर तीसरा क्या हो सकता है, किसी एक दिन में डेट कितना पैसा आया, हाँ सर हो सकता है, जी सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट कितना बार जो है यूपीआई से पैसा दिया, वही स्टूडेंट कितना बार जो है कैश पैसा दिया, वही स्टूडेंट कितना बार जो है कार्ड से पैसा दिया, ऐसा रिपोर्ट बन सकता है, हाँ सर तो यहाँ पे अगर हमको ये बोलना पड़े कि ये स्टूडेंट
स्टूडेंट वाइज हमको अगर रिपोर्ट बनाना है, क्या किसके हिसाब से बनाना है? स्टूडेंट स्टूडेंट वाइज, वाइज, ठीक है, हम बोलेंगे स्टूडेंट वाइज हमको बताओ कि कितना पैसा आया है पर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या बनेगा, पैसा बनेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, की रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। तो ग्रुपिंग किसके आधार पे कीजिएगा, अमाउंट के आधार पे कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे, रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार ठीक पे। है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सुटेबल कैंडिडेट है रिपोर्ट में दिखाने के लिए वो क्या है, अमाउंट, राइट, हाँ सम ऑफ सर, अमाउंट, अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, हाँ सर, सबसे ज्यादा सुटेबल क्या है, अमाउंट, अमाउंट क्या है, सम ऑफ अमाउंट क्या सुटेबल फील्ड है, राइट, किसके यस सर, लिए, रिपोर्ट के लिए। और रिपोर्ट रिपोर्ट के किसके लिए आधार पे सर, हो सकता है, स्टूडेंट के आधार पे हो सकता है, और क्या किसके आधार पे हो सकता है, कोर्स आईडी के कोर्स आधार पे हो आईडी सकता के, है डीएट के ना, आधार पे हो सकता है, है ना, कोर्स आईडी के आधार पे हो सकता है, बैंक के आधार पे हो सकता है, पेमेंट मोड के आधार पे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी एक कोर्स आईडी में कितना स्टूडेंट मतलब है, ये भी हो सकता है किसी एक हाँ कोर्स सर, आईडी में कितना स्टूडेंट है, तो कोर्स आईडी के आधार पे, तो अभी यहाँ पे किसी एक कोर्स आईडी में कितना स्टूडेंट है, इसमें की कौन होगा, यहाँ होगा कोर्स आईडी सर, कोर्स आईडी, और ये जो डिटेल वाला डेटा वो कौन होगा, रजिस्ट्रेशन वो हो नंबर, जाएगा बात रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ समझ में आ रहा है? तो सर, अब समझ में आया की क्या है और डेटा क्या है, हाँ सर, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुपिंग किए हैं बैंक डिटेल पे, राइट। तो की क्या होगा यहाँ पे, कि बैंक डिटेल पे बैंक क्या बना डिटेल, लेगा, की बना लेगा, ठीक है। और अब एसबीआई का जितना रिकॉर्ड होगा एक साथ रखेगा, एसबीएम का जो रिकॉर्ड होगा एक साथ रखेगा, इस तरह से रखेगा, कोई दिक्कत, नो सर, हाँ अब समझ में आ गया है? सर, चलिए अब हम इस फंक्शन में जा रहे हैं। अब जब इस फंक्शन में गए तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा मिला है, फीस, फीस में क्या क्या मिला है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग और इक्वल फी मिला ऑब्जेक्ट, है, ठीक है। वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज किया जाता है एज ए की, कैसे यूज करते हैं, की, जो स्ट्रिंग है वो उसका काम क्या है यहाँ पे, की बन जाना, बात समझ गए, वो हाँ सर, ऐसा इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब उस की के अंदर में क्या होगा, बहुत सारा फी का रिकॉर्ड होगा ना, उस की के अंदर में क्या होगा, बहुत सारा पी का रिकॉर्ड हो फी का रिकॉर्ड होगा। तो देखिए हम लोग बोले फॉर फॉर ईच वर फी ग्रुप इन फीस, इन फी, तो फी ग्रुप में आ गया, अब फी ग्रुप में क्या है, की है, तो हम की को प्रिंट कर दिए, क्या किए हैं, सर की की को, मतलब ये बैंक डिटेल ना, मतलब जो बैंक बैंक का डिटेल, नाम जो जा बैंक रहा का है, नाम, हाँ राइट, उस बैंक का नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, ये हाँ सर, बैंक का नाम होगा, अभी प्रिंट बैंक थी होगा। ना अब की, उस बैंक के नाम के अंदर में कितना रिकॉर्ड है उस बैंक का, अगर हमको वो प्रिंट करना है तो हम फॉर इच लगाए, और फी में, फी ग्रुप में आपके पास क्या है, फी का एक ऑब्जेक्ट है, फी ग्रुप में स्ट्रिंग है, और दूसरा क्या है, ठीक है, तो फी का भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, तो वो भी एक लिस्ट है, तो फी ग्रुप में फी का ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना, हेलो। हाँ तो सर, यस सर, अब हम लोग उसको फॉर इच लगा के उसमें हमको उसको प्रिंट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, नो तो सर, हर की का नाम प्रिंट करेंगे और उस की के अंदर में जितना भी फी है वो प्रिंट होगा, हाँ सर, इस फॉर इच से, ठीक, इसमें लूप हाँ चल वो रहे सारा हैं पहले, इसमें हम की प्रिंट कर रहे हैं, ओके, और उस की के अंदर में फिर से जितना भी रिकॉर्ड है वो प्रिंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत, नो सर, यस समझ में आया है? सर, यस, तो ये ग्रुप बाय जो है समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए हम इसको अलग से रखे हैं, इसको अब हम लोग रन करते हैं। क्या हो गया है, अच्छा तुम चाहिए, ये कहाँ पे कॉल किए हैं, क्या गड़बड़ी हुआ, कोई बताइए, ऊपर तो हम सब कमेंट कर दिए हैं ना, ऊपर यस तो सब सर, कुछ कमेंट कर दिए थे ना, अरे भाई साहब रुक जाओ, यस सर, देखिए ये जो मेथड था मेरा कहाँ था, क्या था, फी कस्टम, राइट, गेट फी कस्टम था ना, डिस्प्ले उसमें हम फी आपको क्या सेकेंड बोले, किया है, उसमें हम आपको क्या बोले, सब कुछ कमेंट कर देने के लिए, इसमें आप कुछ हाँ भी सर, कमेंट डिस्प्ले नहीं कर फी सकते, कॉल किया ना आपने यहाँ पर, हाँ बस समझ में आ गया, इसमें आप सब कुछ कमेंट कर दिए हैं गेट फीस वाले में, सबको कर लीजिए कमेंट, सबको कमेंट कर लीजिए, नहीं तो कुछ और आउटपुट आएगा, फिर देखते रहेगा कि इधर से आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इसको कमेंट कीजिए।
कर लिए, और उसके बाद यस अब हम लोग उस वाले मेथड को कॉल करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, किसको कॉल करेंगे? गेट फीस ग्रुप वाले को, राइट? गेट फीस ग्रुप कस्टम, यही ना किए थे? एक बार देख लेते हैं, यही था ना? ठीक है, तो अब कौन सा फंक्शन कॉल कीजिएगा? गेट फीस कस्टम को क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए। गेट फीस कस्टम को क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट हम कौन करूंगा। फंक्शन को कौन सा कॉल कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं गेट फीस ग्रुप कस्टम। गेट फीस ग्रुप कस्टम कस्टम को हम लोग कॉल कर रहे हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, और आप देखिए रिपोर्ट कैसे आपका प्रिंट होगा। तो सबसे पहले की क्या प्रिंट हुआ? HDFC बैंक नेम, बैंक डिटेल, उसके बाद सारा उसका उस HDFC का सारा रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड है सब किसका है? सब किसका एचडीएफसी है? का एचडीएफसी HDFC का है। हेलो, यस ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? हेलो हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ से दूसरा कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ओहो, क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, या तो कीबोर्ड में प्रॉब्लम है या माउस में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। उसके बाद क्या है? IDBI, राइट? यस अब IDBI के बाद देखिए सारा IDBI का रिकॉर्ड है, यस ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा बैंक कौन सा है? IDBI के बाद देखते हैं SBI की क्या है? SBI, एसबीआई उसके बाद सारा SBI का रिकॉर्ड आ गया एक साथ। तो बात समझ में आ रहा है ये कैसे ग्रुपिंग किया हुआ? अभी आपको समझ में आया? अभी आगे और भी करेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई सर दिक्कत है? नहीं सर नो सर सत्यम, शिवानी, नो सर ये ग्रुपिंग कैसे हुआ है दिख, आप लोगों को समझ में आया? शिवानी, हाँ भैया समझ में आ गया है? देखिए अब यूनाइटेड बैंक, ठीक है, तो आपको इस तरह से रिपोर्ट आपका आ गया है। अब हम लोग जो है इसको कल करेंगे, इसको आगे, ठीक है, ऑलरेडी